अच्छा। मेरे एक गऊ आ गई अभी कल ही बच्चा दिया सुने हाँ। को जन्म दिया लात मारती है हाँ। तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया हाँ। वो एक में खड़ी है। आप भी देख सकते हैं हाँ। श्यामा थार पार कर है। ये अच्छी जो इदर, थी है। हाइट लेकर हाँ जी हाँ जी अच्छा ये लात मार रही है बिल्कुल भैया लात मार रही है किसी से गाड़ी नहीं सुननी भैया बघेर मतवल की सिर्फ दो हजार हजार कमाई के पीछे गाड़ी नहीं सुननी हाँ जी गौ देनी है बिल्कुल शांत देनी है जी अगला हाँ। दूध निकाले तो खुश हो चाहे दूध एक लीटर कम दे दो बाकी खुश होना चाहिए भाई गाय ली थी रविंद्र ने अच्छी दी है कोई भाई ने किसी ने किसी मेरे को फोन पे ये नहीं बोला कि भैया आपकी गाय खराब निकली है सभी यही बोलते हैं कि अच्छी निकली आप हमारे को एक और दे दो एक एक गाय और दो मज़ूर देंगे भैया अभी मेरी दो गायों की बुकिंग चल रही है इसी वीडियो में से दो गायों की बात चल रही है अच्छा तो मैं दे देंगे कोई बात नहीं है हमें तो देनी है जी घर पे ही क्या करना है सही है अच्छी गाय ठंडी गाय मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए रविंदर जी भाई साहब राम राम जी राम राम भाई साहब राम राम जय गो माता जय गोपाल भैया गाय बड़ी खूबसूरत लेके आये हो जी जी भैया जी हाँ जी की साईवाल जी। और रंग लाल लाल जी। तो हर लाल गाय तो साहिवाल नहीं होती नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया क्वालिटी होनी चाहिए हाँ जी जब गाय में ब्रिड करेक्टर साहिवाल के हो तभी तो भी साहिवाल कह सकते हैं हाँ जी शानदार फेस है जी फेस की बनावट शेप काफी शानदार है चौड़े कान है जी हाँ जी और ताजा बेई भी लग रही है बिल्कुल ताजा भैया आज दो दिन की ब्याय है ठीक है पूरी डिटेल जानेंगे जी आपसे हाँ जी हाँ जी आज के वीडियो में कितनी गाय कवर करेंगे जी आज की वीडियो में पांच भैया पांच हां जी तो पांचों की डिटेल लेंगे जी हाँ जी हाँ जी एक कीमत की रेंज पूछेंगे आपसे सबसे पहले भैया अठाईस हजार से पचपन हजार रुपए तक अठाईस हजार रूपये से शुरू हो जाएगी हाँ जी और लास्ट पचपन हजार रुपए तक की गाय मिल जाएगी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी पूरी जानकारी दीजिएगा जी हाँ जी हाँ जी हर गाय के बारे में अलग अलग कीमत भी जानेंगे आन जी, जी। दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखे हाँ जी हाँ जी जो भी गाय पसंद आ जाए वीडियो से स्क्रीन शॉट लेके रख ले हाँ जी अभी भाई साहब से कॉन्टेक्ट नंबर और साथ ही कॉन्टेक्ट के लिए एड्रेस जानेंगे हाँ जी एड्रेस पूरा बता दो जी आपका जी मेरा नाम रविंदर गोदारा जाट गाँव छ जिला व तहसील अनूपगढ़ स्टेट राजस्थान और अनूपगढ़ रेलवे बस स्टैंड से मात्र सात किलोमीटर दूर मेरा खेत में फार्म है ठीक है अच्छा है। ये बॉर्डर कितना दूर है जी जी बॉर्डर मेरे से आठ किलोमीटर दूर है आठ किलोमीटर हाँ जी तो बॉर्डर भी नजदीक हाँ जी रेलवे स्टेशन भी नजदीक हाँ जी ठीक है जी पूरी जानकारी दीजिएगा जी मोबाइल नंबर और बताओ जी आपके जी अठहत्तर अठहत्तर सत्तर तेरह सत्यासी ठीक है और दूसरा नंबर है जी बयासी जीरो चौरानवे तिरपन तीन सौ छियासी ठीक है ये दोनों नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके भाई साहब की इन गायों के बारे में पूरी और प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं जी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं भी लेकर आपके साथ शेयर करूंगा जी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा शुरुआत वाली गाय जिसके लिए आप सोच रहे हैं जी उसकी डिटेल जान लेते हैं जी हाँ जी क्या डिटेल है जी भाई साहब भैया इसने दूसरी बार बच्चा दिया है आज दो दिन की भी आई है हाँ और पीछे बछड़ी है लोटरी जी पीछे लोट्री। भी लोटरी हाँ जी हाँ जी गाय खुद भी लोटरी जैसी है जी हां जी और पीछे भी लोटरी है पीछे भी लोटरी और भैया अब मौके पे बारह लीटर खीस कच्चा तैयार है और फर्स्ट बार के अंदर चौदह लीटर दूध दिया जी सात लीटर एक टाइम हां जी इस बार की आपकी उम्मीद क्या है जी इस बार भैया सोलह लीटर दूध की उम्मीद है अच्छा अभी खीस निकाल रहे, वो कितना निकलता है वो तो कितना खुद आके भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है हाँ। अपने हाथों से दूध निकाल के देख लो और फिर गो मत ले जाओ जी ठीक है आपने इसके लिए मोल क्या रखा है जी इसका प्राइस पिचवंजा रुपए पचपन हजार हाँ जी फिफ्टी फाइव थाउजेंड जी कुछ बार्गेनिंग गुंजाइश है जी बस जी मान सम्मान कर देंगे ठीक है जी तो दो नंबर वाली गाय और देख लेते हैं आपकी दो नंबर पर गदरी राठी जी खूबसूरत कदकाठी हाँ जी हैं जी भारी डील डोल की गाय है जी हैं जी क्या डिटेल है इसकी भी ये फर्स्ट बार बच्चा देगी हम्म टाइम कितना लेगी अभी दस से पंद्रह दिन बाकी है जी दस पंद्रह दिन में ब्याने वाली है हैं जी हैं जी, हैं जी अच्छा और बिल्कुल स्वभाव की है जी गदरी राठी गदरी राठी हाँ जी और जी इसकी माँ ने दूसरी बार में चौदह लीटर दूध दिया था अच्छा

जी भैया श्यामत हाँ। तीसरी बार बच्चा दिया जी अच्छा पीछे बछड़ा है जी जी मेल काफ हां जी, 25 दिन की ब्याई है हाँ। और दस लीटर दूध रेडी है पच्चीस दिन की ब्याई भी, भी है दस लीटर दूध तैयार है हां जी पूरे पे आगी की जी। हां जी, पूरे दूध दूध होगी जी जी बिल्कुल गरीब घर गर से आई थी जी अब आपने पास फार्म पे आई उस वक्त आठ लीटर दूध था जी अच्छा हाँ जी अपने पास आई को आज तीसरा दिन है और अब इसने दो लीटर दूध और बना लिया जी अभी दो लीटर और बढ़ा हाँ है।, है। हाँ जी दस लीटर दूध है जी और इसकी कीमत आप क्या लोग हजार रूपए चौथे नंबर पे फिर से एक और लाल रंगी साईवाल हाँ जी ये कौन सी है जी जी भैया दूसरी बार बच्चा देगी दूसरी बार हाँ जी अच्छा ये टाइम कितना लेगी जी इसके पंद्रह दिन बाकी है भैया पंद्रह दिन बाकी हाँ जी बड़े बड़े पंद्रह दिन बाकी है और बाकी बिल्कुल शांत स्वभाव हाँ, की है जी स्वभाव की है बिल्कुल शांत है जी ठीक है और जी इसने फर्स्ट बार के अंदर भैया तेरह लीटर दूध निकाला था और अब सेकेंड बार बच्चा देगी अच्छा और अब की बार भैया सोलह लीटर दूध की खुली उम्मीद है भैया सोलह लीटर की हां जी आठ लीटर एक भैया गाय का थान और जोड़ी बहुत ज्यादा बहुत शानदार बनाएगी भैया हाँ जी और बिल्कुल शांत स्वभाव क्या चाहे कोई भी हो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो कोई बात नहीं थनों के हाथ लगाओ नीचे घूमते रहो मारती वारती नहीं बिल्कुल शांत है स्वभाव की बिल्कुल शांत है भाई साहब अच्छा ठीक है और इसका जी? इसका मोल जी प्राइस भैया छियालीस हजार रूपए एक और ब्याई भी गाय आज की वीडियो की लास्ट गाय जी जी लास्ट में फिर से ब्याई भी जी ब्याई हुई इसकी भी डिटेल दे दो जी भाई साहब जी इसने भैया फर्स्ट बार बच्चा दिया गदरी राठी पीछे बछड़ा इसके साथ बछड़ा है मेरी हाँ काफ है काफ आज भैया दिन की ब्याई है हाँ। और फर्स्ट बार के अंदर भैया नौ लीटर दूध निकाल रही है कच्चा दूध अच्छा नौ लीटर दोनों टाइम का मिला हाँ जी के? हाँ जी दोनों टाइम का ठीक है और दूध निकालने में बिल्कुल शांत है जी कोई लात वात कुछ नहीं मारती है बिल्कुल सिर्फ गुआ है जी कितने दूध तक जाने की उम्मीद जी जी भैया इसकी फर्स्ट बार के अंदर बारह तेरह लीटर की उम्मीद है जी हम्म रही है हाँ, ताजा भी थो थो करेगी। एक दो दिन तो करती करती है सात सात आठ आठ दिन तक ले जाती है।, हाँ, है तो इसका मोल क्या रखा है जी जी इसका भैया सैतालीस हजार रूपए प्राइस फोर्टी सेवन थाउजेंड रूप हाँ जी हाँ जी अच्छा बारह तेरह लीटर तक दूध देने की क्षमता है जी और कीमत सैतालीस हजार हाँ आँ जी हाँ जी ठीक है जी भाई साहब गाय आज के वीडियो में पांच कवर की है एंजी, एंजी। आपको पांचों में से कौन से बड़ी ज्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर से लिखें जी। और कमेंट में जिस भी गाय की कीमत आपको अच्छी लगी वो कीमत भी जरूर से लिखें जी। जरूर से हौसला बढ़ाने के लिए जय गो मिख करोत्साहित कर सभी से यही निवेदन है मेरा ज्यादा से ज्यादा हौसला बढ़ाए हाँ। और हर एक भाई को जो गौ देता हूँ वो फुल जुम्बारी के साथ में देता हूँ अच्छा। मेरे एक गौ आ गई अभी कल ही बच्चा दिया उसने बारी को जन्म दिया लात मारती है तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया वो उधर एक साइड में खड़ी आप भी देख सकते हो उस तरफ उधर एक साइड में खड़ी है श्यामा थार पार इधर खड़ी हुई है लास्ट में हाँ जी ये शामा थार पर कर हाँ जी हाँ जी अच्छा ये लात मार रही है बिल्कुल भैया लात मार रही है किसी से गाड़ी नहीं सुननी भैया बघेर मतबल की हाँ। एक, सिर्फ दो हजार तीन हजार कमाई के पीछे गाड़ी नहीं सुननी हाँ जी गौ देनी है बिल्कुल शांत देनी है जी अगला हाँ। दूध निकाले तो खुश हो चाहे दूध एक लीटर कम दे दो बाकी खुश होना चाहिए गाय ली थी रविंद्र ने अच्छी दी अभी तक कोई भाई ने किसी ने मेरे को फोन पे ये नहीं बोला की भैया आपकी गाय खराब निकली है सभी यही बोलते की अच्छी निकली आप हमारे को एक और दे दो एक गाय और दो मजबूर देंगे भैया अभी मेरी दो गायों की बुकिंग चल रही है इसके इसी वीडियो में से दो गायों की बात चल रही है अच्छा तो मैं दे देंगे कोई बात नहीं है हाँ। हमें तो देनी है जी घर पे जी। क्या करना है सही है अच्छी गाय ठंडी गाय मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए हाँ जी हाँ जी मेरा तो ये मानना है जी आए आके दो टाइम तीन टाइम की मिल्किंग करके देख ले वीडियो कॉल करके भी देखना चाहे तो वो भी देख पा सकते हैं जरूर से एक बार विजिट करें और गाय खरीदने का मन बनाए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने शानदार गाय दिखाई है उम्मीद करता हूँ ऐसी गाय दर्शकों को भी पसंद आती है जी ठंडे स्वभाव की और रीजनेबल प्राइस रेंज की बिल्कुल भैया कैसी लगी व्यूअर्स जरूर से कमेंट में लिखें जी और लाइक बटन तो जरूर से दबा जाए इसका कोई पैसा नहीं लगता रहा है और शेयर भी करें अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जी ताकि देसी गाय को बढ़ावा मिले जी और जो जरूरतमंद हो उस तक एक अच्छी गाय पहुंच जाए जरूर भैया जरूर बहुत बहुत धन्यवाद घर घर-घर में गौ माता देनी है जी देसी। रविंद्र जी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जी राम राम जी जय गौ माता जय गोपाल भैया